हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आटे का केक घर में कैसे मैंने बनाया था उसकी रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए थे। तो ये है 2 कटोरी के लगभग आटा, जिसको मैंने अच्छी तरीके से एक बार छान लिया है। अभी इसको एक बार फिर से मैं छानूंगी। कहते हैं कि आटे को जितनी बार छानो उतना ज़्यादा स्पॉन्जी केक बनता है। और 2 बर्तन मैंने निकाल लिए हैं, एक में मैं लिक्विड बनाऊँगी, एक में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये कोको पाउडर लिया है जो कि मैंने बेकरी से ही मंगाया है। सारा सामान बेकरी से आराम से मिल जाता है। ये है टूटी फ्रूटी, ये भी मैंने बेकरी से ही मंगाई है क्योंकि मुझे दूसरा केक भी बनाना है तो उसमें टूटी फ्रूटी डलेगी, जो कि सिंपल होता है बिना क्रीम वाला, तो बच्चों के लिए भी वो अच्छा होता है, इसलिए मैंने टूटी फ्रूटी भी मंगाई है। ये दूध मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि फ्रिज का दूध मैं नहीं डाल रही थी, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। और विनेगर भी मैं इसमें यूज़ करूँगी तो इसलिए मैंने वाइट विनेगर भी ले लिया है। और बाकी ये होता है कि नहीं है आपके पास तो छोटी बॉटल्स भी आती हैं मार्केट में। ये है पाउडर्ड शुगर, बूरा मेरे पास नहीं था तो मैंने मिक्सी में चीनी को थोड़ी सा इलायची दाना डाल करके पीस लिया है, बारीक कर लिया और एक डब्बे में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड 1 कटोरी, जो कि पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब लगेगा, पर मैंने पूरा इसलिए ले लिया क्योंकि 2 केक बनाने थे। और यहाँ पर बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है, तो 1 डोंगा एक्स्ट्रा भी रखती हूँ मैं, ताकि बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन फैलाने की आदत है, इसलिए 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये है गुलाब शरबत, क्योंकि मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था, सिर्फ वही चीज़ थी जो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने गुलाब शरबत का यूज़ किया है जो फ्रूट केक मैं बना रही हूँ उसमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये सब सामान होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, बस ओवन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अंडे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बिना अंडे के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे कढ़ाई में। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिए है, उसमें मैंने नमक डाल दिया है तले में और स्लो गैस पे इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक हमारा सारा बैटर बनेगा तब तक हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी होगी। तो इसमें देखते जाइए कि कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आटा वगैरह सब छान के रखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार फिर से छानूंगी। तो बड़े वाले में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, मिक्स करने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन ही चाहिए होता है और छोटे बर्तन में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि फर्स्ट टाइम बना रहे हो मेरी तरह, तो सामान बिल्कुल सामने सब कुछ रख लें, क्योंकि ऐसा होता है ना, याद रहता है तो डल भी जाता है, फिर कभी ना कभी ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में हम भूल से जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा कुछ बिल्कुल रेडी रखा था अपने सामने, ताकि मैं एक भी चीज़ भूल ना जाऊँ, क्योंकि केक में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट डलनी चाहिए, वरना ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी शुगर पाउडर डाली है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, बस ये होता है कि उसको ज़्यादा फेंटना पड़ता है जब तक वो पिघल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने पहले पीस ली थी, अच्छी तरीके से तो नहीं पीसी है, हल्की फुल्की कसर है, पर वो घोलने के टाइम पर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 कटोरी रिफाइंड, तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ही लिया है, ताकि इसमें स्मेल आती है ना किसी की सिवाय में ज़्यादा हीक सी आती है, तो मैंने वो सब यूज़ नहीं किए हैं। आप या तो बटर यूज़ करें या तो रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, बटर मेरे पास नहीं था इस टाइम पर अवेलेबल, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ किया है। 1/2 कटोरी मैंने रिफाइंड डाला है। और इसमें अब मैं चीनी को, मतलब चीनी के पाउडर को और रिफाइंड को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो इतना ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, विस्कर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इतना हाथ नहीं चल पा रहा है तो मिक्सी में भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम पे तो विस्कर से ही किया था, पर जब मैंने उसके बाद, उस दिन के बाद 2-3 बार और केक बनाया तो मैंने उसको मिक्सी में भी कर लिया था। तो मुझे मिक्सी में इसको फेंटना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मिक्सी में बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये शरबत डालेंगे ताकि फ्लेवर थोड़ा अच्छा आए। तो बैटर तो मतलब देखने में ही टेस्टी सा लगने लग जाता है, पर हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में ऐसे टेस्ट करने वाला सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको फेंट रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ड्राई वाला रहता है ना, वो हम उसको ज़्यादा फेंट नहीं सकते, इसलिए इसको ही फेंटना होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 डोंगा, क्योंकि जो गीला हमारा जितना भी था उसमें हमने बना लिया है, अब सूखी की माटी मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा डाला है, थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे 2 केक बनाने हैं, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैं एक केक बना रही थी जिसको मैं डेकोरेट करने वाली थी, और एक सिंपल केक बना रही थी जो कि मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 कटोरी आटा ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर छन्नी रख चुकी हूँ।
आटे का तो आप सभी को पता है कि मैं छान चुकी हूँ, तो यहाँ ये छन्नी मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी छान सकूँ, क्योंकि हर चीज़ को छान के ही यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर जो कि डलेगा 1 चम्मच के करीब। तो चम्मच भी ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चम्मच जो घर में हम यूज़ करते हैं वही वाले होने चाहिए। तो 1 चम्मच के करीब मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। तो आप क्वान्टिटी घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आपको आइडिया जब आ जाएगा कि आटा हमने कितना लिया है उसमें हम कितना बेकिंग पाउडर कितना बेकिंग सोडा डालें। ऐसा वो फर्स्ट टाइम में यार बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं बन पाता है, पर मेरा बन गया था। पर कभी कभी होता है कि नहीं बन पाता है, कभी हार्ड हो जाता है, कभी सॉफ्ट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है यार, ट्राई करते करते ही आता है, एकदम से हर चीज़ हमें नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया 1 चम्मच और यहाँ पर बेकिंग सोडा हम 1/2 चम्मच डालेंगे। तो बेकिंग सोडा भी मैं छानूंगी, उसी के ऊपर मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया है, ये देखिए। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कम ज़्यादा भी हो जाए तो ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बस ये है कि करते करते हमें क्वांटिटी का भी पता चल जाता है। तो आटे में हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे और फिर जाके हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो अभी तो हम फिर भी थोड़ा मतलब इतना इसको मिक्स करने में दिक्कत नहीं है, पर जब हम लिक्विड सारी चीज़ें इसमें डालेंगे ना, तो हमको ये ध्यान रखना है हम ज़्यादा इसको मिक्स ना करें। तो यहाँ पर मैंने जो कोको पाउडर आपको दिखाया था वो भी 2 चम्मच डाल लिया है, क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाने वाले हैं। वनीला एसेंस मेरे पास नहीं था, आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आप कोको फ्लेवर वाला नहीं बना रहे हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब टेस्ट क्या स्मेल आती है, बहुत सुंदर स्मेल, तो बदबू हो जाएगी ना हम फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है केक में से। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथ से कर लेते हैं मिक्स, और इसके बाद डलेगा वही जो हमने बना के रखा हुआ है ना, रिफाइंड का और चीनी का, और बाकी एक दो चीज़ें और हैं जो इसमें डलनी हैं अभी, क्योंकि केक में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए क्रीम वाला केक तो सिंपल ही अच्छा लगता है, पर जो दूसरा वाला केक होता है ना, जो फ्रूट केक टाइप होता है, जो पैकेट्स में भी आता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे क्या हम भी बड़े शौक से खाते हैं, वो वाला केक बनाते टाइम में आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम को कूट कर डालना, किशमिश डालना, टूटी फ्रूटी, या और भी पिस्ता वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हैं, फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, क्योंकि स्पंज के अंदर जब हम खाते हैं ना काट के, उसमें टूटी फ्रूटी का फ्लेवर आए, टूटी फ्रूटी आए तो बहुत टेस्टी लगता है, तो बच्चों का तो फेवरेट होता है टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड कर लिया है ताकि मुझे ऐसा होता है कि यार धीरे धीरे सब कुछ ऐड कर दूँ, क्योंकि कब क्या दिमाग से स्किप हो जाए पता नहीं चलता है। तो अब टाइम आ चुका है, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट मिला ली हैं, बस एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिलानी है। ये मैं डाल रही हूँ विनेगर, तो विनेगर हमने डाला है 1.5 चम्मच, तो विनेगर डाल लीजिए और एक चुटकी नमक भी डाल लीजिए, क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत उभर के आता है। यहाँ पर जो भी मेरा लिक्विड था, जो भी मैंने रिफाइंड और चीनी का घोल बना के रखा हुआ था, वो भी डाल लिया है, और हल्का हल्का मैं दूध भी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें चाहिए पतला बैटर जो कि केक के लिए ऐसे रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, वो मैं बना रही हूँ। और हाँ, इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, जितना आप इसको करेंगे ना उतना ये स्पंजी कम बनेगा। इसको हल्के हाथ से ही कट एंड फोल्ड के उससे ही कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार है, और अब हम जिस भी बर्तन में बनाएंगे, ये मैंने डोंगा ही लिया है, मेरे पास कोई केक टिन नहीं था, तो इसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा लिया है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, बटर पेपर लगा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो सिंपल रिफाइंड लगा के इसको आटे से डस्ट कर लीजिएगा अपने बर्तन को, फिर इसमें बैटर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बैटर डाल दिया, 3-4 बार इसको टैप टैप करके फिर इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है, जो प्री हीट करने मैंने पहले ही रख दी थी। ये है मेरी दूसरी कढ़ाई जिसमें मैं दूसरा केक बना रही हूँ। दोनों केक सेम ही प्रोसीजर से बने हैं, मतलब एक ही बैटर से मैंने दोनों केक बनाए हैं। एक मेरे से गलती ज़रूर हुई थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, देखो एक आधी गलती तो हो ही जाती है, वो मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगी। तो ये मैंने 30 मिनट्स बाद चेक किया था, तो ऐसा कुछ दिख रहा था हमारा केक, जो कम बैटर था ना जिसमें हमने छोटा केक बना थी वो जल्दी हो गया था, और जो बड़ा वाला था वो इतनी जल्दी नहीं हुआ, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे। तो ये देखिए, ये इसमें बड़े वाला है जिसमें मैं क्रीम वाला बनाने वाली हूँ ना, ये वो वाला है, देखो ये सिंपल है, और दूसरे वाले को थोड़ा मैंने डेकोरेट करने की कोशिश करी थी, यही मेरी गलती हुई। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट बाद फिर से चेक करूँगी। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, आइए फिर से चेक करते हैं। तो ये वाला जो केक है, ये गलती मेरी इसमें हुई थी कि मैंने इसमें जो चोको चिप्स हैं वो ऊपर से डाल के बेक किया, तो वो क्या हुआ, वो सारे पिघल गए, तो फ़ायदा उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आप सिर्फ टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स ही डालें,
और चक्कू डालकर एक बार ज़रूर चेक करें, अगर आपका नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल रहा है तो समझ जाइए आपका केक पक चुका है, कढ़ाई से बाहर आने के लिए तैयार है। चोको चिप्स डालेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये देखिए, मुझे ऊपर से इसको अलग से डेकोरेट करना पड़ा, पर स्पंज बहुत टेस्टी बना था, बहुत सॉफ्ट बना था, मतलब मज़ा आ गया खा के। इसके बाद इस दिन मतलब 13 मई को मैंने ये केक बनाया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद मैंने 6-7 बार और बना दिया है, और वो मेरा जो कहते हैं ना स्पंज बनाने का जो मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा से अच्छा होता जा रहा है। तो ये देखिए, ये है 13 मई के दोनों केक जो मैंने अलग अलग कढ़ाई में बनाए थे, दोनों के दोनों सुपर सॉफ्ट बने थे, बहुत आराम से डीमोल्ड हो गए थे। और ये है उसके 3 से 4 दिन बाद का केक, और ये तो बड़ा ही गजब का बना था। ये देखो कितना मोटा सा सॉफ्ट सा है। तो इसको मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इसको काट करके ऐसे रख दूंगी, जैसे 1-2 दिन बच्चे क्या होते हैं दूध के साथ खा लेते हैं, हम लोग बड़े जो होते हैं चाय के साथ खा लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गजब का टेस्ट लग रहा था, देखने में तो टेस्टी है ही, डीमोल्ड भी ये बहुत आराम से हो जाता है। बस इसको 1 से 1.5 घंटा हमें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखना है, उसके बाद इसको डीमोल्ड करना है। अगर हम पहले ही डीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा टूट सकता है। तो ये देखिए कितना मोटा केक है। तो मतलब फर्स्ट टाइम में अच्छा बन गया था, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं बनता है तो हम ना थोड़े हताश हो जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, हम दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हमारे किसी कटोरी का साइज़ बड़ा छोटा हो, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी गड़बड़ी हो गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं है हम दोबारा ना ट्राई करें। देखिए, हार मानने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, हर चीज़ को बार बार ट्राई करो तभी वो चीज़ अच्छी से अच्छी बनती जाती है। ये देखिए, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, किशमिश भी डाला है, बादाम कूट कर भी डाले हैं, और सच में हर एक बाइट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। आटे का केक है ये, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बच्चों के लिए तो हेल्दी होता ही है, देखो मैदे से काफ़ी बेटर तो आटा ही होता है ना, काफ़ी क्या मतलब आटा तो होता ही है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी। बस ये है कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, और मेरे बेटे को तो ये बहुत टेस्टी लगा है, वो इसी का ही फ़ैन हो गया है, अब उसको मैदे का केक याद भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा रेडी है केक। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको मेरा ये केक का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। देखिए, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर तो नहीं हूँ कि हाँ रेसिपीज़ मैं कैसे शेयर करूँ, इतना अच्छे से मैं नहीं बता पाती हूँ, पर मैंने बहुत सीधे सटीक तरीके से बताया। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।